तो क्या धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है दिल्ली? दरअसल प्रदूषण से दिल्ली में और एनसीआर में टेंशन बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि अगले 20 दिन और ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। नई दिल्ली में हवा लगातार जहरीली हो रही है। जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं, या तो आपको गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो रही है या आंखों में जलन। कई लोगों को सिर में दर्द की भी समस्या हो रही है। तो जैसे जैसे सर्दियां दस्तक दे रही हैं, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नहीं हुआ तो अगले 20 दिन दिल्ली में सबसे क्रिटिकल हो जाएंगे। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है तो कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा खराब। 2 नवंबर 2023 की बात करें तो सुबह 7 बजे के करीब AQI 404 दर्ज किया गया। कई जगहों पर 340, कई जगहों पर 332 तो कई जगहों पर 395। अगर नोएडा की बात करें तो कई जगहों पर 342 तो कई जगहों पर 216 दर्ज किया गया। दिल्ली में हॉटस्पॉट पर AQI बढ़ रहा है, जिसे लेकर कई विभागों के साथ संयुक्त बैठक हो गई है। बैठकों में फैसला लिया गया कि जिन हॉटस्पॉट पर AQI लगातार एक हफ्ते तक 400 से ज्यादा दर्ज होगा तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी विभागों में नाइट ड्यूटी के दौरान गार्ड्स को हीटर दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए पूरी दिल्ली में मोबाइल एंटी स्मॉग गन अब पानी का छिड़काव कर रही है। इसी सिलसिले में PWD को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान यूपी के NCR क्षेत्र से केवल CNG या इलेक्ट्रिक बस के अलावा BS6 इंजन वाली डीजल बसों को एंट्री मिल रही है। साथ ही अब दिल्ली के कई इलाकों में निर्माण कार्य पर भी रोक लगने जा रहा है। अगर इसी तरह पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो ग्रैप का तीसरा और चौथा चरण लागू हो जाएगा। आपको बता दें, चौथे चरण में नियम लॉकडाउन जैसे होते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के जिन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 से ऊपर दर्ज किया जाएगा, वहां निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में गत कुछ दिनों से AQI 350 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि ये स्थिति तापमान में गिरावट और हवा की मंद गति की वजह से है। ये परिस्थिति आने वाले कुछ दिन तक बनी रहेगी, इसलिए आने वाले कुछ दिन दिल्ली के लिए अहम है। इसलिए दिल्ली सरकार उन इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य रोक देगी जहां लगातार 5 दिनों तक AQI 400 अंक से ज्यादा होगा। 1 अक्टूबर से दिल्ली में डीजल बसों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा अब निर्माण कार्य पर भी रोक लगाया जाएगा। ऐसे में ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के नियम लागू होने की आशंका है। तीसरे चरण में BS4 तक के डीजल वाहनों पर बैन लगा दी जाएगी। निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूरी तरह से रोक होगी, सिर्फ आवश्यक कार्यों को अनुमति होगी। चौथे चरण के नियम लॉकडाउन जैसे हैं। इसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी या फिर स्कूल जितने हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया जाएगा। इसके अलावा सभी तरीके के निर्माण कार्य पर बैन लग जाएगा। दिल्ली NCR में ग्रैप के पहले और दूसरे चरण इस वक्त लागू हैं। इसके तहत कई पाबंदियां हैं, जैसे कि डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक है, तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर रोक है, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी है जिससे कि लोग सरकारी बस और मेट्रो का इस्तेमाल करें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।